चलिए अब इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन ना, वी देखना है हमको। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज में हम कौन सी चीज बोलेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरल पढ़ाई था हमने कि क्या होती है, दैट इज ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है ना। तो क्लोरीन क्या रहेगी, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है, वो क्या रहेगी, दैट इज सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, है ना। तो क्लोरीन इज व्हाट, हम बोलेंगे ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है, वो कैसी होती है, दैट इज सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। फिर कौन सी चीज हो जाएगी इसके बाद, ये एयर से हैवी होती है ना, इट इज व्हाट, 2 to 5 times हेवियर देन एयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। क्लोरीन कैन बी लिक्विफाइड इजीली, वो क्या बनेगा, इससे ग्रीनिश येलो लिक्विड बनता है ना। क्लोरीन का लिक्विफिकेशन थोड़ा आसानी से हो जाता है, और इससे फॉर्मेशन किसका होगा, तो हम बोलेंगे ग्रीनिश येलो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, दैट 239 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन जो होती है, ये क्या रहेगी, वाटर में सोल्यूबल होती है, समझ आ गई बात, ये है ना। तो ये सारी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यदि हम देखें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे, इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से रिएक्शन होकर क्या बन जाते हैं, क्लोराइड्स बन जाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, क्लोरीन का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों से रिएक्शन होकर, है ना, फॉर्मेशन हो जाता है किसका, क्लोराइड्स का। रिएक्शन एकदम सिंपल है कि एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन तो AlCl3 बन जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन तो NaCl बन जाएगा, आयरन प्लस क्लोरीन तो FeCl2FeCl3 बन जाएंगे, फॉस्फोरस के साथ भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्लोरीन कम है तो PCl3, क्लोरीन ज्यादा है तो PCl5, फिर सल्फर के साथ क्या बन जाता है, दैट H2Cl2, समझ आ गई बात ये। तो क्या हो जाएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स इनसे इनकी डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है क्लोरीन की, वो क्या बन जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्लोराइड बन जाते हैं, है ना। बहुत सिंपल रिएक्शन, नो बडी इज गोइंग टू आस्क। फिर इसके बाद क्लोरीन की क्या होती है, हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से HCl बन जाता है, और क्लोरीन के हाइड्रोजन से एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो दूसरे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें से भी क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेता है ना। तो एग्जाम्पल जैसे H2S और क्लोरीन, इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl+ सल्फर बन जाता है, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ें, ये हाइड्रोकार्बन जैसे C10H16, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, दैट इज कार्बन+HCl, समझ आ गई बात ये। तो हम कौन सी चीज़ बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन की क्लोरीन से एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि क्या हो जाएगा, इवन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को छोड़कर जिससे वो जुड़ी हुई थी किसके साथ आ जाती है, दैट इज विद क्लोरीन, आया समझ में, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अमोनिया और क्लोरीन, इनके रिएक्शन जब हम देखेंगे तो अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई है, दो अलग अलग कंडीशंस में होती है ना। जब अमोनिया एक्सेस में हो तो क्या बन जाता है, दैट इज NH4Cl एंड नाइट्रोजन, और जब क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्या बन जाता है, दैट इज NCl3+HCl, है ना। तो ये वाले रिएक्शन अपने नाइट्रोजन फैमिली में समझी हुई भी और लिखी हुई भी ना, तो इसको ज्यादा एम्फसाइज अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर NaOH के साथ रिएक्शन ही अभी देखा अपन ने, है ना, कि क्या हो जाएगा, क्लोरीन का डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है, ठीक है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ भी रिएक्शन देखा हमने, एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्शन देखा है हमने, ठीक है। फिर इसके बाद CaOH होल्ड वाइज, इसके साथ भी क्लोरीन के रिएक्शन में कोई अंतर नहीं ना, CaOH होल्ड वाइज भी क्या है, अल्कली, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी क्लोरीन का डिसप्रोपोर्शनेशन ही होता है। तो जैसे कौन सी चीज थी, NaC, इसमें क्या बन रहा था, NaOH के साथ NaCl और NaClO, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCl2+CaOCl होल्ड वाइज, आई ना बात समझ में। हम बोलते हैं ड्राई स्लैग लाइन है, तो ड्राई स्लैग लाइन के साथ क्लोरीन के रिएक्शन पर क्या बन गया, CaOCl होल्ड वाइज प्लस CaCl2+ वाटर, रिएक्शन का लॉजिक यही वाला है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन वाला, आया कि समझ में, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ड्राई स्लैग लाइन से क्लोरीन के रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। क्वेश्चन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सी वाली, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या मिलता है इसमें, इट इज CaOCl होल्ड वाइज डॉट CaCl2+CaOH होल्ड वाइज .2H2, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या होता है, तो क्या है, दैट इज CaOCl होल्ड वाइज .CaCl2+CaOH होल्ड वाइज .2H2, आगे समझ में, है ना।
इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन से डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर जब क्लोरीन के रिएक्शन करवाते हैं अपन लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, क्या बन जाएगा इसमें, CH3Cl एंड HCl, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब रिएक्शन होती है तो इसमें फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हम बोलेंगे इसमें एडिशन रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, दैट इज विसिनल डाइक्लोराइड बन जाता है ना। ये रिएक्शन अपने को काफी डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इसको अपन कंसिडर यहाँ पर मतलब डिटेल में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, कि जैसे क्लोरीन को जो अपन वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, एक हमको लाइट या पेल येलो कलर का सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो क्लोरीन वाटर का जो पेल येलो कलर का सोल्यूशन है, इसको यदि हम रखा हुआ छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसका येलो कलर जो होता है वो डिसअपीयर होने लगता है ना। वजह क्या होती है, तो हमने अभी जनरल प्रॉपर्टीज में देखा था कि क्लोरीन और ब्रोमीन ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट होकर क्या बना लेते हैं, इट इज HCl प्लस HClO, ठीक है। तो क्लोरीन वाटर जो होता है इसमें क्या बन जाएगा, HCl प्लस HCl हो गया HOCl बन जाता है, ठीक है। फिर इसका जो HOCl है ये किसमें टूट जाएगा, अनस्टेबल होने की वजह से HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये कौन सा काम करेगी, हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन जो है इससे क्या होता है, इसका ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन गवर्न होता है, समझाइए ना बात ये। तो क्या बोला हमने, क्लोरीन वाटर जो होता है, क्लोरीन वाटर कैसा होता है, दैट इज हमने बोला क्लोरीन वाटर इज येलो इन कलर और इट इज लाइट येलो इन कलर, दिस ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम इज चेंजिंग इन टू वॉट और डिसप्रोपोर्शनेटिंग इन टू वॉट, सो वी से इट इज HCl प्लस HClO, राइट। HClO जो होता है वो टूटेगा किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये क्या करेगी, तो हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन करती है आगे ऑक्सीडेशन का काम या फिर ब्लीचिंग का काम, ठीक है। और इस वजह से इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या निकलेगा, दैट इज HCl, मतलब Cl2 रिड्यूस होगी हमेशा HCl में, आगे बात समझ में है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, कि ब्लीचिंग जो होती है क्लोरीन के थ्रू है ना, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड है, तो क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट ब्लीचिंग, समझ आ गई बात ये, कि परमानेंट ब्लीचिंग होती है। और कौन सी चीज रहेगी इसमें, तो हम बोलेंगे जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, वेजिटेबल है या दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, इनके कलर को ये डिसअपीयर करवा देता है, आगे बात समझ में है। फिर कौन सी चीज हम बोलते हैं इसके बाद, फिर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम दूसरे देखें ना ब्लीचिंग के अलावा, तो सिंपल ये फेरस सल्फेट को किसमें कन्वर्ट करवा देगा, दैट इज इनटू फेरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वो खुद हो जाएगा चेंज किसमें, दैट इज इनटू HCl, है ना। तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ले जाकर खुद रिड्यूस हो जाता है HCl में, रिएक्शन किसमें करवाई हमने, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम बोलेंगे सल्फाइड जो होता है इसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, सल्फेट में खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज इनटू HCl, आगे समझ में है ना। फिर कौन सी चीज है, SO2 को कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, H2SO4, खुद रिड्यूस हो गया फिर से किसमें, दैट इज इनटू HCl, आगे समझ में है ना। I2 का ये वही अपना लॉजिक है, कौन सा, ओजोन वाला और HNO3 वाला ना, कि I2 को ऑक्सीडाइज करके ले जाएगा किसमें, I2O5, और I2O5 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, दैट इज HIO3, ठीक है। तो आयोडीन वाटर एंड क्लोरीन इनके रिएक्शन से क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे फाइनली इट इज HIO3 प्लस वॉट दैट HCl, आगे समझ में अच्छे से है ना। तो ये वाली जो सारे रिएक्शन हैं ये क्या है, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन वाटर, आया समझ में, जिनमें सारे रिएक्शन में इसका खुद का रिडक्शन किसमें हुआ है, दैट इज इन टू HCl, ठीक है। और यही रिएक्शन किस लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी, क्लोरीन का परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी, क्लियर हो गई बात यहां तक अच्छे से।